न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे तुलसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तुलसी के कई फायदे हैं और ये आपके बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एंड में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए तुलसी के बारे में जो आपको तुलसी खाने से पहले जरूर से जान लेना चाहिए। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि तुलसी खाने से आपके इम्यून सिस्टम में जो दो सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स एंड किलर सेल्स, इन दोनों की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इस वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तुलसी लीफ का एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है अगर आप इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे ये तुलसी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है, तुलसी ब्लिस करके आता है, लीफर्ड का ब्रांड है। इसमें बहुत सारी तरह की तुलसियां भी मिलाई गई, अराउंड 5 तरह की पत्तियों के लीव्स का ऑयल बनाया गया है और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैं इसे डेली लेती हूँ। सेकेंड जो बेनिफिट है तुलसी का वो ये है कि आपको अगर आपको कफ कोल्ड या फीवर हुआ है तो उसे भी बहुत जल्दी ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि तुलसी एक तरह का एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। तुलसी में कंपाउंड पाया जाता है टर्पिन यूजिनॉल के नाम से, जो एक पेन किलर का काम करता है। तो अगर आपको बॉडी रिलैक्स करनी है या कहीं पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप तुलसी लीव जरूर प्रेफर कर सकते हैं। तुलसी में ऑसिम्यूमोसाइड ए एंड बी कंपाउंड पाया जाता है जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, उसको बैलेंस कर देता है, जिससे आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल है। तुलसी में बहुत सारी तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। इस वजह से आपका स्किन, लिवर, लंग सब कुछ प्यूरिफाइड रहता है और इस वजह से आपकी जो एजिंग प्रोसेस होती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जो ये तुलसी ब्लिस है इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे कहीं पिंपल हो गया है या कहीं कट लग गया है चेहरे पे भी, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट अगर आपको कहीं जल गया है तो आप इस ड्रॉप्स को वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जलने के बाद भी जो दाग रह जाता है वो उसको भी हटाने में मदद करता है। आयुर्वेदा में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप तुलसी डेली लेते हैं तो ये आपके अस्थमा के सिम्टम्स को भी कम कर देता है। अब सवाल ये आता है कि तुलसी लीव्स अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इस टाइम पे तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, तो इस टाइम पे क्या किया जाए। मार्केट में तुलसी पत्ते के ड्राइड पाउडर्स भी मिलते हैं, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे ले रही हूँ ये ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी टैबलेट है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस टैबलेट को आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसका पाउडर निकाल करके अपने काढ़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट कुछ इस तरह से, ये बहुत इजी हो जाता है कंज्यूम करना अगर टैबलेट्स अगर आप ऐसे लेते हैं, और तुलसी के बेनिफिट्स भी आपको बराबर मिलते हैं। और अगर आप इस पैक पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये एंटी स्ट्रेस और एंटी एजिंग है, और ये आपकी लाइफ को और ज्यादा हेल्दी बनाने में मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ तुलसी के बारे में। ऐसा नहीं है कि तुलसी लीव्स हर कोई कंज्यूम कर सकता है हर रोज। आपको अगर तुलसी लीव्स खाने हैं तो आप 3 महीने तक लगातार खाएं और फिर बीच में ब्रेक दें और फिर खाएं। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपको लो बीपी या लो ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो रहा है, या फिर आपको IBS है, या फिर आप कोई बहुत सीरियस मेडिकेशन पे हैं, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके पास है तो आप तुलसी लीव्स अवॉइड करें तो आपके लिए बेटर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं। आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं foodjasoos.mira.link पे। और हाँ, जाने से पहले थम्स अप जरूर दीजिएगा लोगों के साथ और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।